भाई साहब अभी आ चुका है बलबीर, ये कुछ देर पहले आया है। कैसे है भाई साहब? हम मस्त नहा धो के एकदम तैयार हो चुके हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द आवर चैनल रेडिस ब्लॉग। शो करता हूँ गाइस, सब एकदम मस्त होंगे गाइस। तो अभी फिलहाल बज रहे भाई साहब 6 एंड अभी हम उठ चुके हैं मस्त, और आज है भैया का हल्दी। तो चलो इस ब्लॉग को इधर ही स्टार्ट करते हैं, आगे आपको पता हो जाएगा मतलब जो भी होगा सब। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को इधर। मेरा आकाश जो भी मंजन कर रहा है, तो बारात चलना है? हाँ। हैं तुमको? हाँ। तुमको चलना है छोटे? मेरे साथ चलेगा? मैं तो बाइक से जाऊंगा। सो भाई साहब अभी जस्ट इसका मतलब डीजल ख़त्म हो गया है, तो अभी चल रहे हैं मतलब डीजल लेने। भैया बाइक लेके आ रहे हैं, उसके बाद चलते हैं। तो भाई साहब अभी हम निकल चुके हैं डीजल लेने के लिए। तो आज भैया का हल्दी है और ये भी हमारे साथ चल रहे हैं डीजल लेने। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, तो जस्ट भाई साहब अभी इधर पहुँच चुके हैं, भैया ले रहे हैं डीजल, तो यस लेते हैं एंड उसके बाद निकलते हैं। सो इधर भैया डाल रहे हैं डीजल, अभी हम इसको लेकर घर पहुँच चुके थे एंड भैया डाल रहे हैं डीजल। इतनी देर में कितनी देर चलेगा पता है कुछ? पता नहीं। ओके। तो यहाँ पर रीबा ने अकेले चाय पी लिया, मुझे पूछा भी नहीं है। और पूर्णिमा तुमने भी ना मुझे चाय नहीं पूछा ना? हमने पूछा था भैया जब चाय पी लो। कब? अभी। चल झूठी। झूठी क्या? नहीं पूछा है तुमने, ना तुमने पूछा ना उसने पूछा। पूछे पूछे रहा नहीं। जस्ट अभी कुछ होने वाला है, पता नहीं है इसमें पता नहीं क्या क्या जा रहा है। क्या होगा मौसी? अच्छा, बुआ बताएंगी क्या होगा? क्या होगा इसका? मैं कुछ नहीं बताऊंगा। भाई साहब अभी प्रोग्राम हो चुका है स्टार्ट, वो ख़त्म हो गया था काम एंड इधर चल रहा है चूड़ी का काम। तो ये सभी चूड़ी लेंगे एंड और कुछ लेना है इसके बाद। सो भाई साहब अभी आ चुका है बलबीर, ये कुछ देर पहले आया है। कैसे आया? तुम नहीं आई हो, सिर्फ वो आया। तुम तो यहीं पे ही थी। ये देख लियो मेरे लिए बालवीर क्या लाया है। इसके लिए बालवीर लाया टिक 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 टिक। ये बालवीर एक और धरा है, मुझे नहीं दे रहा। हाँ, और न देगा भी नहीं अभी, मतलब कुछ देर पहले बालवीर आ चुका है। मोती भी आ गया, हमको काटने वाला है। पता नहीं कहाँ, पता नहीं वो कहाँ जा रहा है ना। वो जा रहा है दिल्ली कमाने। अच्छा, और इधर क्या लग रहा है? इधर माड़ो पड़ रहा है। हाँ, इधर माड़ो लगता है। वहाँ पर कौन खड़ी है? कौन है? कौन है? हमारी दादी। वो इनकी बलबीर की, बलबीर बलबीर की दादी है। हाँ। सो गाइस यहाँ पे जो है माड़ो रेडी हो रहा है एंड ये सब फुला रहे हैं इधर बैलून। हाय भाई साहब, इधर मंडप तो हो चुका है एकदम रेडी एंड सब लोग इधर बैठे हुए हैं, और इधर जा रहा दोबारा पर्चा जा रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, दो बार पर्चा जाता है क्या? दो बार पर्चा जाता है, दोबारा इधर पर्चा जा रहा है। एंड भाई साहब हम मस्त नहा धो के एकदम तैयार हो चुके हैं, कैसा लग रहा हूँ कमेंट में बता देना भाई साहब, मतलब कैसा लग रहा है ये कपड़ा कुर्ता, कैसा लग रहा है कमेंट में बता दियो एक बार ही। तो चलो अभी मतलब जो आगे की रस्म होगी या जो आगे जो करना होगा सब आपको ब्लॉग में पता ही चल जाएगा। नीचे चल रहा है भाई साहब कुछ माड़ों का काम, अभी मतलब काम प्रोग्रेस पे है, कुछ ही देर में हल्दी लगेगा एंड ये रहा दूल्हा। भैया, ओए भैया, ए भैया, ए। एंड भाई साहब मतलब मौसम हो रखा है थोड़ा ख़राब, ये देख सकते हैं आप, मतलब पूरा एकदम बारिश जैसा माहौल लग रहा है, बट होप करता हूँ कल या आज बारिश ना हो तो अच्छा ही रहेगा, बट भाई अगर होना है तो कौन रोक पाएगा। चलो देखते हैं, मतलब ना हो तभी अच्छा रहेगा। जस्ट भाई साहब अभी हम नीचे आ रहे हैं एंड ये बैठे हुए भैया, आज इनका हल्दी है। तो अभी मौसा और मौसी सुन रहे का था, उसके बाद इनको हल्दी लगेगा। ओके, खुश हैं आप? बहुत ज़्यादा। इतनी खुशी मुझे आज तक। तो अभी भाई साहब फिलहाल मतलब बाहर से ले आए हैं अंदर एंड इधर भी कुछ पूजा हो रहा है, तो जस्ट मतलब जब ये हो जाएगा पूजा, जब पूजा पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद हल्दी लगना चालू होगा। सो यहाँ पे कथा तो हो चुका है एंड भैया को लगने जा रहा है हल्दी। कैसा फील हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है कुछ? बहुत फील हो रहा है, फील हो रहा है तो कुछ तो लग रहा है ना, एंजॉय इट। अभी हल्दी लगेगा एंड उसके बाद फिर क्या, कल साथ, कल तो शादी होने वाली है, कल मिलते हैं।
यहाँ पर भैया का हल्दी हो चुका है कंप्लीट एंड कल शादी है, तो कल बहुत मजा आएगा, बहुत 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 ज्यादा मजा आएगा। आप लोग सब आइएगा। हाँ, इनका वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना बस, प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो तो अभी हम चलते हैं चौराहे पे। तो फिलहाल अभी हम चल रहे हैं चौराहे पे क्योंकि भैया ने अपनी शेरवानी ली थी तो शेरवानी का सूज लेना भूल गए थे, तो यह सभी चल रहे चौराहे पे वही लेंगे एंड लेने के बाद सीधा घर आएंगे। तो जस्ट भाई साहब अभी हम आ चुके हैं चौराहे पे, बेवा तो हमें नहीं मिला कोई शॉप भी, तो इसलिए मतलब हम डुमरियागंज आए हैं एंड इधर देख रहे हैं, अगर सूज मिल गया तो अच्छी बात है और नहीं मिला तो सीधा चलेंगे घर एंड कहीं और देखेंगे फिर। तो उस दुकान पे सूज तो नहीं मिले थे, नेक्स्ट दुकान पे आए हैं एंड इधर देख रहे हैं, मिल गया सूज तो अच्छी बात है और नहीं मिला तो इधर से भी निकलेंगे कहीं और देखेंगे एंड देखने बाद तो सूज तो लेना ही, मतलब चाहे जहाँ जाना पड़े लेने के लिए। भाई साहब सूज तो हमने ले लिया एंड इधर देख रहे हैं सर का सहरा, तो लेते हैं एंड इसके बाद निकलते हैं इधर से। सो भाई साहब अभी हमने हैट ले लिया एंड निकल रहे हैं घर, तो घर पहुँचने के बाद आपसे मिलते हैं। सो जस्ट भाई साहब अभी हम घर पहुँच चुके हैं फिलहाल एंड मतलब हमने जो भी लाया था वो भैया को नीचे दे दिया सब सारा, तो अभी छत पे हैं एंड चलो अभी कुछ करना रहेगा या कुछ कहीं पे जाना होना रहेगा तो मिलते हैं आपको बताते हैं आगे। सो भाई साहब आज नेक्स्ट डे एंड कर देते हैं इस वीडियो को इधर एंड, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना और जो चैनल पर नए हो डू सब्सक्राइब, मिलते हैं आपको न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बाय।